ओम शांति। 3 नवंबर की शुरुआत में आप सबका स्वागत है। स्वनीति किसको पसंद नहीं है, लेकिन स्वनीति में हम अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हैं। कभी कभी हम अलबेले हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम एटलीस्ट इन लोगों से तो बेटर हैं। हम एक सीमा में आ जाते हैं जिस कारण से हम अलबेले और हमारी स्वनीति जो होती है वो आगे बढ़ती नहीं है। हम वहीं की वहीं रुक जाते हैं, फिर हम सोचते हैं हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज परमात्मा ने एक बहुत बड़ा राज हमें समझाया कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। परमात्मा इस वरदान में कहते हैं, स्व अनुति का यथार्थ चश्मा, सच्चा चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। अलबेलापन क्या होता है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, विशाल दिमाग हो गया तो हम क्या चेक करेंगे अगर विशाल दिमाग है हमारा तो? हाँ चलो, मैंने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो नहीं किया आज, चलो ठीक है, मैं ठीक हूँ, इनसे तो बेटर हूँ मैं। उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है, उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया है उतना बहुत किया है मैंने। मैं इन इन आत्माओं से तो अच्छा हूँ, मतलब इन आत्माएं चाहे वो ब्रह्म कुमार हों, कुमारी हों, चाहे बाहर विदेश के, चाहे देश के कुछ भी लोग हों, थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है। जो बहुत जान पहचान वाले लोग हैं, जिनकी बहुत नाम है शान है, उनके अंदर भी कमी है। तो मैंने तो काफ़ी अच्छा कर लिया उसके हिसाब से तो। लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं और गहराई में जाकर के अपनी कमी कमजोरियों को पहचानते हैं, उनका चश्मा यथार्थ स्वनीति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते, वो किसी और को नहीं देखते हैं, वो परमात्मा को और स्वयं को देखते हैं कि मुझे उनके जैसा कैसे बनना है। आज इंसान एक दूसरे को देखता है कि मुझे इसकी जैसी शक्ल, इसकी जैसी नाक, इसके जैसा मुंह मिल जाए, इसके जैसा गाड़ी मिल जाए, इसके जैसा बंगला मिल जाए, और बाहरी सिर्फ लौकिकता में ही फंसे हुए हैं इंसान। एक दूसरे से कंपेयर करना, कंपीट करना, उसकी कितनी नौकरी, उसकी कितना सैलरी, ये सारी चीज़ों पर। तो परमात्मा कहते हैं कि कभी तुमने मुझे अपने आप से, मुझे परमात्मा को अपने आप से पहचानने की कोशिश, उनके जैसे बनने की कोशिश, उनको पिता कहते हो तो पिता तो जिसको कहते हैं तो बच्चा भी पिता कैसे बनने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा। तो कभी सोचा है कि वो हैं कैसे हैं? क्योंकि हमने फिजिकली तो बहुत सोच लिया, लेकिन हमने स्पिरिचुअली, परमात्मा तो आत्मा स्पिरिचुअल हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश हमने कभी करी है? तो परमात्मा कहते हैं, उनका चश्मा यथार्थ स्वनीति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते हैं, दूसरा तीसरा क्या करता ये नहीं देखते, है ना। ब्रह्म कुमारी में भी बहुत सारे भाई बहन हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको देख करके नहीं बढ़ना है हमें आगे। हमें परमात्मा को देखना कि परमात्मा एक पहचान है जो कि सारा ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान में जो जो वो गुण, जो जो शक्तियाँ बोल रहे हैं वो उनके अंदर हैं, इसलिए तो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वो, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनका जो मन है इसी तरीके से चलता है। मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं वे, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। मुझे बदलना है, मुझे औरों को देखना नहीं कि वो कहाँ तक पहुँचे, कितनी उन्नति करी उन्होंने, मुझे अपनी उन्नति को देखना है, औरों की उन्नति को नहीं। कौन गिर रहा है, कौन ऊपर उठ रहा है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, न्यूट्रल रहना है। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी में, हर दिन हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं इसको। ओम शांति इसके साथ।